आपके पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ए क्लियरम लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स। तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको। गिवन द फॉलोइंग डाटा एन इकोनॉमिक कंजम्पशन फंक्शन इज दिस, इन्वेस्टमेंट दिस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिस, टैक्स इज दिस, कैलकुलेट द फॉलोइंग, सेविंग एंड ए क्लियरम लेवल ऑफ इनकम, सेविंग एट ए क्लियरम लेवल ऑफ इनकम। तो पहले आपको चलिए वो तो थोड़ा सा पुराना वो करोगे, हो जाना चाहिए, तुम इसमें कुछ है नहीं, हो जाएगा ना ये, तो ये करो जरा, दो क्वेश्चन है, जरा दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। हाँ ओपन इकोनॉमी से ही आएगा, क्लोज इकोनॉमी से नहीं आएगा। आई मीन्स यहां पे इन्वेस्टमेंट है और एक ही बच्चे ने अपना आंसर किया, बताओ ऐसे कैसे बात बनेगी जी। करिए जरा इस क्वेश्चन को, चलिए साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप जिन बच्चों को आ गया समझने सॉल्व करते रहिए, जिनको नहीं आया वो सामने देखिए, फिर देखेंगे कितने बच्चों का आंसर कमेंट से मैच करता है। हाँ जी सर, तो सेविंग एट इक्लिरम लेवल ऑफ इनकम, तो सेविंग बताना है इक्लिरम लेवल ऑफ इनकम पर। तो सबसे पहले तो भैया आपको इक्लिरम लेवल ऑफ इनकम तो पता हो, तो हमें वाई चाहिए सबसे पहले, वाई इक्वल्स टू, बात समझिएगा, आपको क्या बताना है, सेविंग एट द इक्लिरम लेवल ऑफ इनकम। पहले आपको इक्लिरम लेवल ऑफ इनकम तो पता हो, तभी तो आप सेविंग निकाल पाएंगे। तो हम वैसे ही पहले अपना वाई कैलकुलेट करेंगे, और एक आपका ओपन इकोनॉमी मॉडल है जिसके अंदर आपके पास में थ्री इकोनॉमी मॉडल है, क्योंकि यहां पर टैक्सेस आपके पास, टैक्स तो है बट आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं है। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, c प्लस i प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बस ये तीन चीजें ही होंगी। अब यहां पर y इक्वल्स टू c, c कंजम्पशन फंक्शन पे डिपेंड करता है कि हमारा c क्या आएगा, एंड देयर इज कंजम्पशन फंक्शन इज 250 करोड़ प्लस 0.8 डिस्पोजेबल इनकम, और ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, y माइनस टैक्सेस, क्लियर है, डिस्पोजेबल इनकम सी। चलो अभी पहले देते हैं हम 0.8 yd प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है आपका 100 करोड़ है, और सेविंग पूछा था, आपको मालूम है सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में इक्वल होता है, तो सेविंग 100 करोड़ ही होगा, बट उसको निकाल के बताना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं बता सकते हो आप। तो 100 आपके पास में हो गया, और प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका बन जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका 100 करोड़, क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं, और कुछ आपको दिया हुआ है, टैक्सेस दिया हुआ है, नहीं, y इक्वल्स टू 250 प्लस 0.8 एंड इनकम माइनस टैक्सेस, टैक्स कितना है आपके पास में, टैक्स आपका 100, सब कुछ 100 लगा रखा है, 100 करोड़ प्लस क्या हो गया, ये आपका 200 करोड़ हो गया। सॉल्व करते हैं, तो y इक्वल्स टू 250 प्लस 200, तो 450 करोड़ सॉल्व करेंगे, तो 0.8y माइनस 80% ऑफ 100 इज 80, क्लियर है, सॉल्व करेंगे यहां पर, तो आपके पास में क्या जाएगा, y माइनस करेंगे, y माइनस 0.8y इक्वल्स टू 450 माइनस 80, तो 50 गया 4 और 30 गया, तो 370 करोड़, एंड ये 0.2y इक्वल्स टू 370 करोड़, एंड y इक्वल्स टू 370 अपॉन 0.2 और ये 10, एंड y इक्वल्स टू 212, ये आपके पास में नेशनल इनकम आ गया 1850 करोड़, क्लियर है जी। तो सही बच यहां पर दीपक जैन का करेक्ट आंसर है, बट पूछ क्या रहा आपसे, सेविंग पूछ रहा है बच्चे, तो सेविंग कैसे निकालोगे, तो आपको पता है क्या होता है, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस एस होता है, ये आपको याद होगा, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब आपको पता है निकालोगे कैसे सेविंग, आप सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन, ऐसे निकलेगा ना, देन सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन फंक्शन क्या है आपका, कंजम्पशन फंक्शन क्या है आपका,
कंजम्पशन आपका है 250 प्लस 0.8 वाई डी को लिख सकते हो, तो मैं वाई माइनस टैक्स, अभी ऐसे लिख दो वाई माइनस टैक्स, क्लियर है बात, समझ गए कुछ इस तरीके से, क्लियर है भैया? कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लो, क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपके पास में सेविंग इक्वल्स टू वाई माइनस, चलिए कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन आपका है 250 प्लस 0.8 वाई डी, इतना ही लिखते हैं, अभी माइनस करें सेविंग के लिए, सेविंग इक्वल्स टू वाई माइनस 250, ठीक है जी, इनकम एंड माइनस, ओ सॉरी, माइनस 0.8, और डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, माइनस जाएगा, दोनों माइनस जाएगा ना, तो इनकम माइनस टैक्सेस, टैक्स क्या हमारा 100 करोड़ है, तो सेविंग इक्वल्स टू, इनकम की वैल्यू रख दो आप कितनी, 1850 माइनस 250 माइनस 0.8 और 250 माइनस 100, सॉल्व करेंगे एस इक्वल्स टू, तो यहां पर 1850 में से 50, 1800 1600 तो यहां दिख रहा है साफ साफ मुझे, पहले तो 1600, और यहां पर इसका 80% ऑफ 250, क्लियर है, माइनस 80% ऑफ 250, 250 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 200, तो यहां पर आपके पास में क्या देगा, माइनस तो अच्छा माइनस कर लेना था ना, कोई दिक्कत नहीं, अब कर ले तो करने दो, माइनस 80, ये प्लस 80, यहां कुछ गड़बड़ लग तो रहा है मुझे भैया, इतना हो नहीं पाया माइनस, ओहो 250 गलत ले लिया ना मैं, 1850 आएगा यहां पर, 1850 आएगा ये माइनस 100, ठीक है जी, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, वो एस इक्वल्स टू 1800 200 1600 माइनस 0.8 एंड ब्रैकेट में 1850 में 100 गया 1750, एस इक्वल्स टू 1600 माइनस 1750 का 80%, 1750 मल्टीप्लाई बाय 0.8 1400, एस इक्वल्स टू कितना है 200 करोड़, बट सेविंग तो इन्वेस्टमेंट के इक्वल आनी चाहिए थी यहां पर, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, द वैल्यू सेविंग एट अ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करा हमने, वाई हमारे पास में वाई सी वाई माइनस दिस वन, तो वाई माइनस 250 प्लस 0.8, ओहो गड़बड़ हुई है, गड़बड़ कहाँ हुई है, सेविंग फंक्शन कैसे निकलता है आपका, ये एमपीएस होगा ना, यहां पर 0.2 यूज होगा, 0.2, और ये आपके पास में वाई माइनस कंजम्पशन फंक्शन, देखते हैं इनकम में 1850 आ गया, यहाँ 0.2 आएगा ना कंजम्पशन, वन माइनस दिस वन, सेम फंक्शन, डायरेक्ट सेम फंक्शन लिख दिया इसने, देखो गड़बड़ कहाँ हुई है, गड़बड़ यहां पर हुई है आपके पास में सेविंग फंक्शन इक्वल्स टू क्या होता है आपका कंजम्पशन फंक्शन, ये है कंजम्पशन फंक्शन इज दिस 250 प्लस 0.8 बाई डी,
एंड सेम फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस वन माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर आपका प्लस ही रहेगा, बट ये एमपीएस हो जाएगा, क्योंकि एमपीसी होता है ना, सेम फंक्शन में एमपीएस यूज होता है, और यहां पर आपके पास में वाई माइनस, और आपके पास में 100 करोड़, एस इक्वल्स टू माइनस 250 प्लस वाई 1850, 0.2 और 1750, एस इक्वल्स टू माइनस 250, 1750 अगर आप करते हैं, 1750 इंटू 0.2 350 प्लस का, अब आएगा ना आंसर आपका 100 करोड़ सेविंग आ गया। क्लियर है जी, समझे? तो यहां पर आपका कंजम्पशन फंक्शन से आपको क्या निकालना है, सेविंग फंक्शन, देन इसमें आपको वैल्यू रिप्लेस करना है, और कैसे निकलता है, ये माइनस का हो जाता है और ये प्लस, ये एमपीसी से एमपीएस हो जाता है, और यहाँ पे वाई माइनस 100 हो जाएगा आपका। जैसे कि आपका यहां पर कुछ इस तरीके से किया हुआ है, कैसे, सेविंग इक्वल्स टू माइनस सी हो जाएगा प्लस वन माइनस में बी की वैल्यू इक्वल्स टू वाई डी, और डायरेक्ट कर लिख सकते हो उसको, और क्या पूछा हुआ इसमें, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड चेंज इन द इनकम इफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय 20 करोड़। तो भैया आपके पास में इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, 20 करोड़ चेंज में आया, द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर एंड चेंज इन द इनकम, आपको यहां पर वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर के की वैल्यू फाइंड करना है एंड चेंज इन इनकम आपको बताना है। क्लियर है, इनकम इफ द इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय 20 करोड़, अगर इनकम 20 करोड़ डिक्रीज होगा तो देखिएगा, इन के इक्वल्स टू क्या होता है, 1/1 माइनस, कौन सी क्लास है अभी आपकी, 12th, किस चीज की, अकाउंट्स की, नहीं अनु सर अभी बैठिए, मैं बात करवाता हूँ, बैठ जाओ अभी, नहीं नहीं अभी बैठो मैं करवाता हूँ, 1 माइनस एमपीसी, के की वैल्यू ये है, और के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, एंड के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी कितना है 0.8, एंड के इक्वल्स टू 1/0.2, एंड के इक्वल्स टू 5 आपका आया, के की वैल्यू 5 है, आप के इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और 5 इक्वल्स टू डेल्टा वाई, और डेल्टा आई तो आपको ऑलरेडी गिवन है क्या, 20 करोड़, तो 20 करोड़, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू कितना जाएगा, 100 करोड़। तो ये आपके पास में कुछ इस तरीके से सवाल पूछेंगे, 2-3 सवाल एक साथ पूछेगा, 15 नंबर के आसपास का रहेगा, तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए चीजें काफी आसान है, ये बेसिक सी चीजें हैं। क्लियर है जी, कोई डाउट? ना, आपका आ गया 100 करोड़ चेंज इन इनकम इज 100 करोड़, ये आपके 5।